अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग ठीक हों। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और ढेरों खुशियों से नवाजे, आमीन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही गॉर्जियस स्टाइलिश फ्रॉक के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, जिसे आप लोग जो है हाई एंड लो फ्रॉक भी कह सकते हैं, या कॉमन वर्ड्स में टेल फ्रॉक के नाम से भी इसे पहचाना जाता है। तो देखने में बड़ी स्टाइलिश लुक है। आप लोग अपने समर ड्रेसेस के हिसाब से इसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, लॉन या कॉटन फैब्रिक में डिज़ाइन करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सिंपली आप लोग जो है कटिंग का जो तरीका है इसका थोड़ा सा आम फ्रॉक के नस्बत मुख्तलिफ होता है। देखने में आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी कि जैसे ये फ्रंट से जो है इसकी हाइट या लेंथ जो है वो कम है और बैक से इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है। तो आप लोग इसके हाई एंड लो फ्रॉक इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रंट से जो है उसकी लेंथ थोड़ी लो और बैक से हाई होती है, तो इसी वजह से इसे हाई एंड लो फ्रॉक का नाम भी दिया जाता है, या टेल फ्रॉक जिसे आप लोग कॉमन वर्ड्स में कह सकते हैं। किसी भी कलर के फैब्रिक या प्रिंटेड फैब्रिक में आप लोग जो है इसे बनवा सकते हैं। देखने में बड़ी खूबसूरत लुक आ रही होती है और पहनने में बड़ी कंफर्टेबल सी होती है। तो आप लोग इसे लॉन्ग फ्रॉक के लिहाज से डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को शॉर्ट फ्रॉक के भी इसमें वीडियोस अलग से देखने को मिलेंगी, लेकिन यह जो है स्पेशली वीडियो ये लॉन्ग फ्रॉक के हिसाब से मैंने बनवाई है, ताकि आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो सके। आप लोग अगर प्लेन ड्रेस भी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप लोग मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे रेड एंड वाइट, ऑरेंज एंड जो है आप लोग वाइट का यूज़ कर सकते हैं, सिंपली प्लेन पिंक या जो है प्लेन फिरोजी कलर भी आप लोग इसे यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोग इसे फ्रंट से ओपन स्टाइल भी दे सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो इसे क्लोज भी रख सकते हैं। आप लोग ओपन स्टाइल ना भी दे से फ्रॉक को आप लोग चुनट वाले स्टाइल से डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लेटेड फ्रॉक डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग पेटी वाली फ़्रॉक बनवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।